नमस्कार दोस्तों दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाल दी गई है आपकी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि बिहार विधान परिषद में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या दिया गया है, वैकेंसी दी गई है यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 07/2019 और 07/08/2020 दोनों के बारे में देखेंगे कि दोनों में कितने पद के लिए रिक्रूटमेंट आई है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई होगा, कब तक अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी लगेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे सिलेक्शन इसमें किया जाएगा पूरा डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। तो पहले ऊपर से एक करके देख लेते हैं जो ऊपर वाला है, फिर देखेंगे सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं डाउनलोड करके क्या इसमें दिया गया है और कब से अप्लाई इसमें किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे बिहार विधानसभा में वैकेंसी जो निकाली गई थी उसी के तर्ज पे यहाँ पे निकाला गया है आपका बिहार विधान परिषद में भी वैकेंसी निकाली गई है, जो सचिवालय के अंतर्गत बिहार विधान परिषद है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें देखिए जो ये जो अभी निकाली गई है ये पहले देख रहे हैं जो 07 जो दिया गया है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें है, और एक और है उसमें भी देखेंगे कि कितनी उसमें वैकेंसी है। इसमें जो निकाली गई है वैकेंसी आपकी कार्यालय परिचारी की और यहाँ पे क्रम पत्र वितरक की, यानी कि यहाँ पे दो निकाली गई है वैकेंसी यहाँ पे, और कितने इसमें पद है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ 20 तारीख से होना स्टार्ट हो जाएगा 20 सितंबर से, और यहाँ पे परीक्षा शुल्क भी 20 तारीख से आप भरना शुरू कर देंगे। कितना इसमें आपको एग्ज़ाम फ़ी देना है, अप्लीकेशन फ़ी देना है, और 11 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, 11 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल्स जो दिया गया वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है ये दो चीज़ों के लिए आई हुई है, आपको कार्यालय परिचारी और क्रम पत्र वितरक की, जो कि बिहार विधानसभा में भी ये वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि कार्यालय परिचारी के लिए अनारक्षित में 38 पोस्ट दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 17 पोस्ट दिया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 3 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट दी गई है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट दी गई है, ऐसे ही दिव्यांग के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे दी गई है, देख सकते 4 पोस्ट दी गई है यहाँ पे, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 31 पोस्ट अनारक्षित में दी गई है। और यहाँ पे देखिए टोटल जो इसमें पोस्ट है कार्यालय परिचारी की 96 पोस्ट है, और दूसरा इसमें वैकेंसी जो है आपका क्रम पत्र वितरक की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सीटें आरक्षित है, टोटल इसमें 7 सीटें दी गई हैं, यानी कि ये 2 हो गई। उसमें भी बहुत सारे इसी तरह के आपके माली के दरमानी के पोस्ट निकले होंगे। और देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता उसमें भी 10वीं मांगी गई थी, जो आपका बिहार विधानसभा वाला था, और ये तो बिहार विधानसभा परिषद का है। इसमें देखिए वेतन की बात की गई है कार्यालय परिचारी की 18,000 से लेकर 58,900 यानी कि 57,000 तक की इसमें आपको मिलेगी, यानी कि 18,000 से स्टार्ट होगा और 57,000 तक जाएगा, और अन्य इसमें अनुमान्य बातें भी आपको दिए जाएंगे, यानी कि और इस पे आपके यानी कि पेमेंट आपका और इसमें बढ़ा के दिया जाएगा जो आपका अनुमान्य वाता होगा। ठीक है ना, और देखिए दूसरा जो है वो भी इसमें सेम है, 18,000 से स्टार्टिंग होगा। इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता बोली गई है मैट्रिक या इसके समकक्ष, मैट्रिक होना इसमें, आप मैट्रिक हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कार्यधन ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी भी आना चाहिए इंग्लिश में भी, जैसे मान लीजिए आपको कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाए या कुछ बोला जाए तो समझ में आ जाए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए इंग्लिश में। साइकिल चलाने आना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, ये दोनों पोस्ट के लिए है, तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास 10वीं होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सभी को आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उम्र सीमा इसमें न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है, देख सकते हैं अधिकतम यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए जो अनारक्षित वर्ष में महिला हैं उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है,
यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल रखा गया है। चलिए परीक्षा पद्धति यहाँ पे दी गई है। परीक्षा पद्धति देखिए सीधी भर्ती होगी इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे आपके बिहार विधानसभा की जो वैकेंसी अभी सीधी भर्ती चल रही है, ठीक है ना, उसी के तर्ज पे इसमें भी आपकी सीधी भर्ती ली जाएगी। परीक्षा शुल्क यहाँ दिया गया है, परीक्षा शुल्क आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि कितना आपका परीक्षा शुल्क यहाँ पे देना है। देखिए दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के और दिव्यांगों के लिए जो यहाँ पे 45% तक दिए गए हैं कि जो दिव्यांग है 40% दोस्तों यहाँ पे 40% जो दिव्यांग है, देखिए यहाँ पे ₹50 लगेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला वर्ग के लिए और अनारक्षित में जितने महिला हैं उनके लिए वो बिहार के होने चाहिए, यहाँ पे ₹50 है। और देखिए यहाँ पर दिया गया सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे आपके जनरल कैटेगरी हो गया और उसके बाद EBC BC हो गया, यहाँ पे इनको ₹200 देने हैं, ठीक है, केवल पुरुष के लिए, महिला के लिए ₹50 सभी कैटेगरी के। आप ऑनलाइन ये पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, मैं ऊपर डेट बता चुका हूँ कि आपको 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन भी आपको बता दिया जाएगा। और चलिए दूसरा जो पोस्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है इसका भी डाउनलोड हो गया और यहाँ विज्ञापन संख्या 08/2019, इसमें जो पद निकाली गई है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत जो पद निकाली गई, कर्मचारी कार्यालय परिचारी यानी कि रात्रि प्रहरी यानी कि रात में जो पहरा देते हैं उनकी ये वैकेंसी है। और सेकंड यहाँ पे निकाली गई कार्यालय परिचारी की, दरबान की, इसको दरबान बोलते हैं कार्यालय परिचारी को, कार्यालय परिचारी सराफ, कार्यालय परिचारी सफाईकर्मी, ठीक है, कार्यालय परिचारी माली। तो इन पदों पे सीधी भर्ती इंटरव्यू के तहत यहाँ पे लिए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, डेट वही दिया गया है सेम जो पिछले में दिया गया था, यहाँ पे 10/9/2019 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 20 सितंबर से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से, और ये आपका 11/10 तक यानी कि 11 अक्टूबर तक फॉर्म इसमें भरा जाएगा और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो सीट यहाँ पे दी गई है कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी की, यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है, और यहाँ पे कार्यालय परिचारी दरबान की यहाँ पे 7 वैकेंसी है, और कार्यालय परिचारी सराफ की यहाँ पे 9 वैकेंसी निकाली गई है, कार्यालय परिचारी सफाईकर्मी की यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई है, कार्यालय परिचारी माली की यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता सभी के लिए सेम रखा गया है, आपको 10वीं कक्षा पास हो, सभी में 10वीं कक्षा पास रखा गया है, और आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो और साइकिल चलाना आता हो सभी के लिए, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो। और पेमेंट देखिए यहाँ पे सभी के लिए सेम रखा गया है, 18,000 से लेकर 56,900 तक यहाँ पे, और इसके प्लस और भी दिए जाएंगे अनुमान्य अन्य भत्ता जो है इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है, सभी के लिए पोस्ट के लिए। और इसमें सभी चीज़ें सेम हैं, आरक्षण का लाभ आप इसमें भी आपको दिया जाएगा। उम्र सीमा 21 वर्ष अप्लाई करने के लिए है, अधिकतम यहाँ पे 42 वर्ष दिया गया है। आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए, और देखिए इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, इसमें भी सीधी भर्ती ली जाएगी जैसे उसमें ली गई थी, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, सीधी भर्ती होगी और इंटरव्यू के माध्यम से इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, इसमें आपको ₹200 जनरल और EBC BC कैटेगरी के लिए लगेगा, ₹200 केवल पुरुष के लिए, महिला के लिए ₹50 लगेगा, SC ST कैंडिडेट के लिए ₹50 लगेगा, पुरुष महिला के लिए दिव्यांगों के लिए ₹50 लगेगा, जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो इस फॉर्म को आप 20 तारीख से भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, और भी जो डिटेल्स इसके अपडेट होते रहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, आप चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद। एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद
आप अप्लाई 20 तारीख से होगा। अप्लाई करने के बाद अपना फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उसको डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ज़रूरत पड़ेगा, या इंटरव्यू होगा उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है।